पठानकोट पर नगर निगम टीम का छापा, एक हिस्सा सीज। मुरादाबाद बड़े बकायेदारों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत नगर निगम टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज सिविल लाइन स्थित ताज बैंक्वेट हॉल पर छापा मारते हुए उसके कुछ हिस्से को सीज कर दिया। प्रदेश की योगी सरकार के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नगर निगम के टैक्स विभाग द्वारा पिछले कुछ दिनों में कई प्रतिष्ठानों से लाखों रुपए के बकाये की वसूली की जा चुकी है। ये सभी प्रतिष्ठान नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। एक दिन पूर्व लाइन पार स्थित मानसरोवर पैराडाइज होटल पर भी बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए बकाया वसूला गया था। इसी मुहिम के तहत आज नगर निगम की टीम ताज बैंक्वेट हॉल पहुंच गई। टीम के वहां पहुंचते ही ताज के कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। नगर निगम अधिकारियों ने कुछ देर इंतजार करने के बाद अपनी कार्यवाही शुरू कर दी और बैंक्वेट हॉल के दो हिस्सों को सीज कर दिया। पूरे बैंक्वेट हॉल को सीज होता देख बैंक्वेट हॉल मैनेजमेंट ने सरेंडर करते हुए टीम को बकाया देने की बात कही। दरअसल इनके ऊपर नगर निगम का 6 लाख रुपए से अधिक का बकाया चल रहा था। नगर निगम अधिकारी ने इस कार्यवाही पर जानकारी देते हुए बताया कि इन पर 6 लाख रुपए का बकाया चल रहा था, जिसके लिए इन्हें लंबे समय से नोटिस भेजकर पैसा जमा करने के लिए कहा जा रहा था। कोई जवाब न मिलने की दशा में ये कार्यवाही की गई है। अब ये कुछ पैसा देने की बात कह रहे हैं। सर, क्या मामला था, क्या कारण? इस पे नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स का 6,28,000 रुपये बकाया था। इनको कई बार व्यक्तिगत रूप से भी मेरे इंस्पेक्टर और टैक्स सुप्रिंटेंडेंट द्वारा संपर्क किया गया, बकायदा बिल भी दिया गया, मांग नोटिस भी दिया गया, इसके बावजूद भी इनके द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था मैं आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, ठीक है। और चूंकि शासन का निर्देश है भाई हमारा वित्तीय वर्ष समाप्ति की हुआ है, तो जितने 5 लाख रुपये के बड़े बकायदा हैं पहले मैं उन पर कार्रवाई करूँगा, इसके बाद 1 लाख रुपये की भी कार्रवाई करूँगा। जी किसी का रोक टोक हुई क्या? नहीं नहीं, रोक टोक नहीं, वो अपना ऑब्जेक्शन करें तो भाई जिसका वो होगा तो ऑब्जेक्शन तो कर गई, हमको पेमेंट चाहिए, पेमेंट देते हैं तो कौन सी चीज़ है जी? कौन कौन से गेट सीज पर है? अभी ये मेज हॉल का जो मुख्य गेट है उसको किया है, दूसरा किया जा रहा है।